हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो आपकी जर्नल वर्कशीट है। बच्चों, ये कॉमन वर्कशीट होती है क्लास 6, 7, 8 स्टूडेंट की, और ये इंग्लिश मीडियम में ही आई है इस बार। तो इसे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको करनी है। तो इसके लिए आपको, अगर अलग से नोटबुक आपने बना रखी है तो उसके अंदर कर सकते हो, नहीं तो आप ये अपने इंग्लिश की नोटबुक में कर सकते हो, अगर बुक नहीं बना रखी है, ठीक है। जेनरिक 12, ठीक है। आपकी 30 अक्टूबर की वर्कशीट है, सैटरडे की, ठीक है। 30 अक्टूबर सैटरडे की वर्कशीट। और देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल पे पार्टिसिपेट नहीं किया है व्लॉग वाले पे, जिसमें आपको स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ सभी गिफ्ट मिलते हैं, तो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। सुजीत सिंह चैनल का नाम है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, जिससे आप लोग भी प्राइज जीत सको और उसमें पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स इन दिस दीपावली। देखो, आपको पता है दीपावली का माहौल आ रहा है, तो इसके अंदर बताया गया है कि आपको दिवाली पे क्या, पटाखे नहीं छुड़ाने। तो उसके लिए कुछ आपको वर्कशीट दी गई है, जैसा फर्स्ट में बताया, हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बाय स्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। देखो, ये वर्ड्स आपको जो दिए गए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं नीचे, ठीक है। इसमें देखो, आप देख रहे होगे क्या दिया गया है, ये आपके इधर उधर दिए गए हैं, तो आपको ये अरेंज करने हैं। तो देखो, आपको पता होगा दिया, इसमें क्या दिए गए हैं, दियाज, ठीक है। दिया की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, ये होती है, तो आपको ये करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ये आपके क्रैकर्स हैं, ठीक है, क्रैकर्स को आपको स्पेल सही कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे स्पेल आपको सही करके लिखने हैं, तो मैं आपको सारे ये करेक्ट एकदम बता दूंगा। तो सर, 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन 20 से कर लेंगे, ठीक है। देखो, क्रैकर्स की आपकी क्या स्पेलिंग होती है, सी आर ए सी के ई आर एस, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये रंगोली दिया गया, ठीक है। रंगोली की स्पेल आपकी होती है आर ए एन जी ओ एल आई, ये आपका रंगोली हो गया, ठीक है। आपकी लाइट्स दी गई हैं, लाइट्स एल आई जी एस टी एस, ठीक है। आपके कैंडल हैं, ये कैंडल, ठीक है। तो ये आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम बी पे। बी में आपको क्या दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स इन द गिवन बॉक्स बिलो, ठीक है। आपको दिया गया है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको जो नीचे पहरा दिया गया, इसको आपको कंप्लीट करना है इनकी हेल्प से, जो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद, किससे डेकोरेट करते हो आप लोग, कैंडल्स से करते हो, ये कैंडल दी गई है, और आप किसे लाइट्स से करते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे कैंडल्स एंड विद, किससे करते हो, लाइट्स से, एल आई जी एस टी एस, ठीक है, लाइट्स हो गया। ऑन दीपावली दे वर्शिप, आप लोग किसकी पूजा करते हो, गोडेस लक्ष्मी की, ठीक है, आपका आ जाएगा ठीक है। ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार पे, दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट स्वीट्स, आप लोग क्या प्रिपेयर करते हो, खाना पसंद करते हो, मिठाइयाँ। दे शेयर, आप गिफ्ट शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मैनी पीपल इंजॉय दिस फेस्टिवल इन फुल स्प्रिट एंड डू नॉट ब्रश, आपको क्या क्रैकर्स नहीं छुड़ाने हैं, पटाखे नहीं छुटाने हैं, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं सी पे। इसमें आपका दिया गया है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो,
ठीक है, फायर क्रैकर्स कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको पहले में देखो क्या बताया गया है कि क्रैकर्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। फायर क्रैकर्स कोज एयर नॉइज पोल्यूशन, वी नो दैट दिल्ली फेसिस अ बिग चैलेंज एयर पोल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ एयर डेटीरियोरेट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर, लेट्स से नो टू क्रैकर्स। ठीक है, फर्स्ट में देखो आपको क्या दिया गया, फायर क्रैकर्स कोज क्या कोर्स करता है, ये एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली क्या आप लिखोगे, डी ई टी ई रियो रेट्स। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रश फायर क्रैकर्स टू सेव अवर एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपका सी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डी पे, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट यूज फायर क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली। आप कैसे मोटिवेट करोगे अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को कि वो लोग पटाखे को नहीं छुटाएं। ठीक है, तो आप लोगों को देखो इसमें कुछ ऐसा स्लोगन लिखना पड़ेगा जिससे कि लोग माने, मतलब आपको एक स्लोगन टाइप का लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले आप लोग ये डी उतारोगे पूरा, फिर आप लोग इस पे लिखोगे इसको। ठीक है, देखिए आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, योर प्लैनेट नीड्स यू सो नो क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली। ठीक है, तो आप इस पे बहुत सारे देखो, तो आप सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे से, आपको कैपिटल में लिखना है से नो टू फायर क्रैकर्स। और रिड्यूस मिनिमम सेव नेचर। से नो टू फायर क्रैकर्स और रिड्यूस टू मिनिमम सेव नेचर। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट यहाँ तक कंप्लीट होती है, आई थिंक इसके बाद आपका कुछ नहीं दिया हुआ। Thank you.